बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 5 फरवरी का दिन आज यूम यकजहती के तौर पर पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त बाहर निकला हुआ है और कश्मीरियों के साथ यूम यकजहती मना रहा है। लेकिन मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि क्या हम हर साल यूम यकजहती के तौर पे सिर्फ बाहर निकलेंगे, झंडे निकालेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे, रैलियां निकालेंगे? कश्मीरियों की आजादी की तरह मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की सोच को अब बाहर निकलना होगा और कश्मीर को आजाद करवाना होगा। जरूरी नहीं कि आप न्यूक्लियर जंग ही करें, कश्मीर की आजादी के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। खुदा के लिए अब कश्मीर की आजादी के लिए बाहर निकलें। ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त जितने भी लोग बाहर निकले हुए हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ रैलियां निकाल सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यूएन इस वक्त बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सोया हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों बैतुल मुकद्दस के बारे में, फलस्तीन के बारे में क्या फैसले किए गए हैं, हमें वो भी मंजूर नहीं है क्योंकि वो भी हमारा किबला अव्वल है। अगर आज हम लोग किबला अव्वल के लिए खामोश है, कश्मीर की आजादी के लिए खामोश है, तो याद रखिएगा फिर हमारा वजूद जो है वो आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगा। हमें अपने सिर्फ कश्मीर का मसला इंसानियत का मसला नहीं है या जमीन का मसला नहीं है, ये हमारी बका का मसला है और हम लोगों को अब अपनी बका के लिए खुद भी लड़ना है और हमारी फौज, हमने अपनी फौज के साथ भी खड़ा करना है और हमारी हुकूमत को भी चाहिए कि वो फैसले करे कि जिससे हमारे कश्मीर की आजादी जो है वो मुमकिन हो सके, क्योंकि कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर चुके हैं। आज 185 दिन हो चुके हैं, बताएं यूएन में तकरीर करने के बावजूद भी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? पूरी दुनिया को तो हमने जगा दिया है लेकिन इससे हमें हासिल कुछ भी नहीं हुआ। तो खुदा के लिए कश्मीर की आजादी के लिए वो तरीका अपनाएं कि कर्फ्यू भी हटे और कश्मीर भी आजाद हो। शुक्रिया।